हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई में और बढ़ेगी सख्ती, पूर्ण लॉकडाउन फिलहाल नहीं। मुंबई में कोरोना के दैनिक मामले 20,000 के करीब हैं। ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या देश की आर्थिक राजधानी में लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। ऐसा इसलिए कि शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर ने हाल ही में कहा था कि अगर शहर के दैनिक मामले 20,000 के आंकड़े छूते हैं तो हम लॉकडाउन लगाने पर विचार करेंगे। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने मिनी लॉकडाउन की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय समय पर प्रतिबंध लगा रही है। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए पेडनेकर ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करें। राज्य और शहर में मामले निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद है राज्य सरकार द्वारा आज लिया जाएगा। पेडनेकर ने कहा कि शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कुछ प्रतिबंध की घोषणा करने की उम्मीद है। ऑफिस की टाइमिंग बदलने या वर्क फ्रॉम होम को लेकर अहम घोषणा हो सकती है। नागरिकों को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा क्योंकि शहर की जनसंख्या काफी अधिक है। अगर लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करते रहें तो शहर में प्रतिबंध बढ़ते रहेंगे और इससे शहर के अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। पेडनेकर ने आगे कहा कि सप्ताह के अंत तक नागरिकों की बहुत आवाजाही होती है और राज्य सरकार से इस बारे में कुछ घोषणा करने की उम्मीद है। मुझे कहा गया है कि ओमिक्रॉन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी फिर से चेतावनी जारी की है। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।